हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि टैली में जो वाउचर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिक वाउचर्स को आज हम देखना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं कि पहला जो वाउचर होता है टैली में, आपको एंट्रीज जो करनी होती है वो सब अलग अलग जगह पर उनकी एंट्रीज होती है। जैसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं F4। F4 फंक्शन की है। फंक्शन की में आप देखोगे ऊपर से F1 से लेकर के F12 तक कीज आ रही है, तो वही कीज की मैं बात कर रहा हूँ। F4 कॉन्ट्रा के लिए है। कॉन्ट्रा का मतलब हो गया अगर इंटरनल बैंक ट्रांजेक्शन है। इंटरनल बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया चाहे हमने हमारे कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया हो, या हमने हमारे बैंक से कैश को विड्रॉ किया हो, या फिर किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया हो, बशर्ते वो दोनों बैंक हमारे ही होने चाहिए। अगर किसी और बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे हो, किसी अदर पार्टी के बैंक से पैसा निकाल रहे हो, सेल्फ के चेक से विड्रॉल कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रा का पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रा का पार्ट मतलब सिर्फ अपना ही पैसा अपने ही अकाउंट में इंटरनल ट्रांजेक्शन हुई है। सब हमारे कैश को हमने बैंक में कन्वर्ट किया, हमारे बैंक से हमने दूसरे बैंक में कन्वर्ट किया, तो ये एंट्रीज जितनी भी होगी वो सब जाएगी कॉन्ट्रा एंट्रीज में। सपोज एग्जांपल लेते हैं, रमेश मतलब प्रोपराइटर मालिक जो भी है वो, रमेश ने 5,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो ये एंट्री किसका पार्ट हुई? कॉन्ट्रा एंट्री की। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आता है F5। F5 का मतलब हो गया प्योरली पेमेंट। पेमेंट का मतलब चाहे वो कैश हो चाहे बैंक से हो, किसी भी मोड से पेमेंट हो, बशर्ते वो पेमेंट होना चाहिए, दूसरी पार्टी को जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना F6, रिसीप्ट। जब भी बिजनेस में कैश आएगा या बैंक में पैसा आएगा किसी भी कंडीशन में आए, तो सारी एंट्रीज F6 रिसीप्ट में ही जाएगी। इससे नेक्स्ट चलते हैं F7, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का मतलब हो गया, सिंपल सा अगर हम समझें तो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ऐसे कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिनमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब हो गया, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि ए ने हमने बी को माल बेचा था, हमने बी को माल बेचा, बी ने अब माल बेचा तो बेचने की एंट्री कहीं और जाएगी, बी से पेमेंट आया तो हमने एंट्री कर दी रिसिप्ट में। अब पेमेंट आया तो उसने कुछ पैसा कम दिया, उस पैसे को हमने डिस्काउंट में डालना है। अब डिस्काउंट में डालना है का मतलब कैश का ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएंगे जनरल में। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो सब जनरल में ही आएंगे। F8, सेल्स। सेल्स चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, कैसी भी सेल होगी तो F8 सेल में ही जाएगी। कंट्रोल प्लस F8, जिसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न, या फिर हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट मतलब बिका हुआ माल जब वापस से आएगा तो उसकी एंट्री कंट्रोल F8 सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट में ही जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना F9, परचेज। F9 परचेज में आएगा हमारे जितने भी कैश और क्रेडिट दोनों की परचेज। मटेरियल हमने परचेज किया है चाहे हमने नगद में खरीदा हो चाहे उधार में खरीदा हो, दोनों ही एंट्रीज परचेज में ही जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 मीन्स परचेज रिटर्न या डेबिट नोट, दोनों नाम सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। परचेज रिटर्न या डेबिट नोट, चाहे वो कैश से हम लोगों ने जो माल खरीदा था उसको अगर हमने रिटर्न किया है सामने वाली पार्टी को वापस से, तो वो सारी एंट्रीज इसमें जाएगी कंट्रोल प्लस F9 परचेज रिटर्न। आज सारी बात जो भी हुई हमारी बात, वो सारी बात हुई है कि वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं, उन वाउचर्स में एंट्रीज कैसे कैसे एंट्रीज करेंगे। अब फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा ये चैनल सही लगा, आपके यूज आ रहा है, आपको लगता है कि काम आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस चीज में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।